हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है ना, बहुत ही सिंपल सा स्मोकी आई लुक करने वाली हूँ विद ग्लिटर के साथ। और इसको जो है ना, आप किसी भी इवेंट पे क्रिएट कर सकते हो ब्लैक ड्रेस के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जी, मैं यहाँ पर कंसीलर ले रही हूँ, और कंसीलर मैंने लिया है यहाँ पर मिस्ट रोज़ का। और इसे जो है ना, मैंने जस्ट अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने जो है ना आईब्रोज़ को सेट कर लिया था ऑलरेडी। एंड देन मैं इसको जो है ना अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी। अब ये फ्लोर मार्क का मैंने लिया है फेस पाउडर, और इससे कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अच्छे से ना इसको सेट आउट कर लूँगी, ताकि हमारी क्रीजिंग ना हो। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जी ये रिवाज यूके की कंटूर पैलेट है, और इसमें से मैंने ये ब्राउन आई शेडो लिया है। और इसको मैं क्रीज पर अप्लाई करने के बाद साथ ही साथ इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट किया है, और ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। सो नेक्स्ट ही मैं ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो। किसी भी पैलेट में से ब्लैक आई शेडो पिक कर सकते हो। तो इसको मैंने जस्ट आईलिड पे अप्लाई किया है, टैप टैप करके इसको मैं ब्लैक आई शेडो को अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। और इसको जो है ना, मैं किसी भी लाइटर ब्राउन आई शेडो के साथ मैं इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग की है, ब्लेंड आउट किया है इसे। तो नेक्स्ट ही मैं ले रही हूँ हैंग फैंग के ग्लिटर्स ले रही हूँ। उनमें से मैंने ये जो ब्लैक कलर का जो ग्लिटर होता है, मैंने ये लिया है। और ये आप लोगों को बहुत ही इजीली दराज से मिल जाएंगे, और मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छे हैं। तो इसको जो है ना, मैंने अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है, जहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया था। तो ज़्यादा मैंने इसको क्रीज से ऊपर नहीं रखना, जस्ट इसको आईलिड पर ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैंने जो है ना, इसको ड्राई होने से पहले ही इसको मैंने वेट पोजिशन में ही अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड आउट कर लिया है थोड़ा थोड़ा। तो इसको जो है ना, आप अगर ये ड्राई हो जाए तो इसको आप बाद में ब्लेंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके एजेस को थोड़ा सा मैं ब्लेंड आउट करूँगी। सो नेक्स्ट मैंने अब लिया है जी यहाँ पे हुदा ब्यूटी का ये जेल आई लाइनर ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने वाटर लाइन पे अप्लाई किया है, और इसको जो है ना, मैंने लोअर लैश लाइन पे इस तरह से उसी लाइनर ब्रश से अप्लाई कर लिया है। एंड देन इसको जो है ना, मैं लाइटर ब्राउन आई शेडो के साथ ब्लेंड आउट करूँगी, जो मैंने अपनी क्रीज में अप्लाई किए थे ना, उन दो टू शेड्स के साथ मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी, ताकि आईज़ जो है ना अच्छे से ब्लेंड आउट की हुई लगें। और आपने जिस तरह से आईलिड पे ब्लेंडिंग करनी है, इसी तरह से ना आपने लोअर लैश लाइन पे भी उसी तरह से ब्लेंडिंग करनी है जी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को लाइक कर दें, बल्कि अभी लाइक कर दीजिए। और चैनल पे न्यू है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओल्ड हैं तो आप लोगों का बहुत थैंक्स कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हो। नेक्स्ट ही मैंने यहाँ पे लैश कर्लर लिया है, लैशेस को कर्ल करेंगे, उसके बाद उस पर मस्कारा अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने फेक लैशेस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उस पर जो है ना अच्छे से कर्ल हुई होनी चाहिए। तो मैंने मेबेलिन का यहाँ पर मस्कारा लिया है, लैशेस को मैंने अच्छे से कर्ल किया है। बहुत ही सिंपल सी, लाइट वेट सी मैं टीवी पॉलर की ये लैशेस ले रही हूँ। बहुत ही ये लाइट वेट होती हैं, इनका बैंड जो है इतना वो होता है ना कि आप काफ़ी देर भी लैशेस को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी आपको इरिटेशन नहीं होगी, हैवी नहीं होगा आईज़ पे। तो ये काफ़ी अच्छी लैशेज़ हैं, और जो है ना ज़्यादा हैवी लैशेज़ इन आई लुक के साथ अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बहुत लाइट सी लैशेज अप्लाई की हैं। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये जी हाइलाइटर है, और इसको मैंने कहाँ से बाय किया है ये लिंक आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप मेरे इंस्टा पे रिसेंट पोस्ट्स पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी लुक जो होती है फाइनल, होपफुली ये काफ़ी लुक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और काफ़ी जल्दी होने वाली ये लुक है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जी न्यू वीडियो में न्यू लुक के साथ। टिल देन टेक केयर।